शुक्र है, शुक्रवार है ते आज फिल्म जड़ी रिलीज़ हुई है डेफिनेटली थोनू सारे नू बड़ी पॉजिटिव करेगी। जो फिल्म का टाइटल हैगा मेरा बाबा नानक। सो अज असी इत्थे पहुंचे हाँ खास तौर पर इस फिल्म का पब्लिक रिव्यू करन दे लई। सो आओ असी देखते हैं कि लोगों नू किस तरह की लगी है फिल्म, क्योंकि बहुत सारे लोग जड़े ने इस फिल्म का बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार कर रहे थे। सो लोगों तो जान लेंगे कि मेरा बाबा नानक फिल्म उन्हां नू किस तरह की लगी। बहुत 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 वधिया मूवी है मेरा बाबा नानक, सब नू देखनी चाहिए है। ईवन अजकल अज की जो जनरेशन उन्होंने तो जरूर वेखनी चाहिए है पेरेंट्स ना लाके। बहुत 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 सोहनी मूवी है, बहुत सोहनी पर एंड इमोशनल कर गए, बहुत सोहनी फिल्म। नाइस, बहुत वधिया सी, बहुत अच्छी लगी सानू, सारा कुछ इमोशनल भी है, सारा कुछ फीलिंग भी है, बहुत वधिया थी, बहुत वधिया लगी। नाइस मूवी जी, बहुत नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फिल्म बहुत वधिया जी। हाँ जी, फिल्म बस आई जो उन्होंने चमकीला जी वाला रोल किया जी, वो सानू ज़्यादा वधिया लग्या जी। बहुत वधिया मूवी है जी, दस्या चढ़ाई एकदम हो गई, बाद फिर एकदम सिंगर ने ही मरवाता। बहुत अच्छी वधिया मूवी है, मैसेज वधिया है, वधिया सी, बहुत नाइस सी मैम, बहुत नाइस, गुड, वेरी नाइस, इमोशनल, वेरी नाइस, बहुत वधिया लगी, ऑसम मूवी है। मैं अपना पता नहीं मैं कैसे आई हूँ टाइम निकाल के, मुझे ये था कि मैं टाइम पता नहीं क्या होगा मेरा, कोई ये काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा, इतनी कॉल्स आनी है, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ये मूवी देखने के लिए। इतनी ज़बरदस्त मूवी है ना, घर के हर मेंबर को, बड़े छोटे सबको ये देखने की बहुत ज़रूरत है। ज़बरदस्त मूवी, ऑसम, बहुत अच्छी मूवी है मेरा बाबा नानक, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। थीम बेस्ड मूवी है, जैसी मूवी ना आजकल बहुत कम देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी मूवी लगी और सबके लिए मैसेज भी ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, बहुत बढ़िया लगी, फैमिली से बैठ के देखने वाली है, बहुत बढ़िया लगी, नाइस ही मूवी, बहुत सोहनी मूवी है जी, एक मैसेज वाली मूवी है, रब करे यह मूवी इन्हें फिर बनती है, निमरत वधिया एक्टिंग करी, निमरत ने भी बहुत सोहनी मूवी है, मैम बहुत वधिया मूवी सी, मैसेज बहुत अच्छा दिता गया ये, जिमें कि आप लोग पेरेंट्स की होंगे है बच्चों नू कई मूवीज़ नहीं दिखाते धार्मिक मूवीज़, वो कह देंगे कि शायद इन्हां नू पसंद नहीं आएगी, पर ए वाली मूवी विच की है जिहड़े धार्मिक सीन नहीं दिखाए गए पर श्रद्धा जिहड़ी हैगी है, विश्वास जिहड़ा हैगा है, वो इहदे विच दिखाया गया है। बाकी जिमें कह दईए आपां ब्रदर्स दे रिश्तियां दा, वह भी इहदे विच दिखाया गया है। तुसीं अगर ये मूवी देखोगे ना, ये पता चल जाएगा जिहड़े ब्रदर सिस्टर आपस में जमीन वंड नू लैके लड़ाई करते हैं, वो किसी ना किसी ऐसे का परिवार नाल कोई हादसा वापरदा है और ब्रदर सिस्टर जिहड़े हुंदे आ आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ इमोशनल तो सी, इमोशनल से उहदे विच जो ना मतलब एक बाप अगर वो बेटा नहीं हुंदा ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। सो जिस तरह तुम्हें देखा कि लोग इतने पहुँचे, लोगों ने इतने पहुँच के मेरा बाबा नानक फिल्म में देखा तो इमोशनल होकर लोग बाहर निकले, जिते फिल्म के इमोशनस दिखाए गए हैं उत्थे कितना कितने इस फिल्म के हर एक फ्लेवर से टच किया गया। तो इस तो अलावा थोड़ा दस दें कि फिल्म के बहुत कुछ अजिहा जो शायद लोग वांझे थे और इंडस्ट्री से इस तरह दिल्मों की लोगों ने डिमांड की है कि फिल्मा जो होर ज़्यादा इस तरह दननिया चाहिए ने। तो उम्मीद करती हूँ कि तुहानू पब्लिक रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो फिलहाल मैंने दो इजाजत, कैमरामैन आनंद के नाल मनप्रीत खुल्लर, दैनिक सवेरा टीवी।